अमीर बनने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अगर पैसा गारंटी देता होता कामयाबी की, अगर पैसा गारंटी देता होता अमीरी की, तो हर पैसे वाले इंसान को कामयाब हो जाना चाहिए था, और कोई गरीब कभी अमीर नहीं बनता, और अमीर बन जाने के बाद कोई कभी गरीब नहीं बनता। दोस्तों, पैसा गारंटी नहीं देता। इस थ्योरी के हिसाब से धीरूभाई अंबानी को अमीर नहीं होना चाहिए था, पैसा नहीं था उसके पास, पेट्रोल भरता था बेचारा। इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से किसी को भी अमीर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सब कभी गरीब थे। इस थ्योरी के हिसाब से हिंदुस्तान के टॉप 10 अमीरों में से भी किसी को अमीर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भी सब कभी गरीब थे। दोस्तों, नहीं, पैसा गारंटी नहीं देता। और पैसे के बहुत सारे नियम है, ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। एक नियम दे रहा हूं आपको फ्री में, ले जाना। और ये अकेला नियम ही बहुत लोगों की जिंदगी बदल चुका है दोस्तों। क्या कहता है नियम? यदि 100 लोगों को 1 जनवरी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, रैंडमली नीचे उतरो और जो पहले 100 लोग मिले उनको 1-1 करोड़ रुपए थमा दो, बिना पूछे उनकी जाति क्या, उनका धर्म क्या, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे, कुछ मत पूछो। यदि 100 लोगों को 1 जनवरी को 1-1 करोड़ रुपए दे दो, तो उसी साल 31 दिसंबर को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, ले जाना साहब ये नियम। यदि 100 लोगों को 1 जनवरी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो उसी साल 31 दिसंबर को उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। ये नियम कहता है 100 में से 80 लोग अपनी पुरानी और उससे बुरी हालत में पहुंच चुके होंगे। हैं, 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी? यस, यकीन आया तो किसी ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल उठाना जिसने किसी प्रतियोगिता में, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए जीत लिए हो। इनमें से ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म में आपको अमीर नहीं मिलेंगे यार। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, एक खबर पड़ी 3-4 महीने पहले सुशील कुमार के बारे में, शायद आप में से किसी ने नाम सुना इस व्यक्ति का। ये वही व्यक्ति है जिसने केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 2011 में 5 करोड़ रुपए जीते, टैक्स कटने बाद 3 करोड़ 60 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए। कब? 2011। अभी क्या चल रहा है? हाँ, आज उसके अकाउंट में मात्र 11,000 रुपए हैं, और वो एक दूध की डेयरी पर नौकरी कर रहा है। और जितने लोग भी बैठे ना इस हॉल में, सब सोच रहे साहब पागल था, अकल नहीं थी, मुझे दे दो 3 करोड़ 60 लाख, मैं दिखाऊंगा कैसे खर्च कर लें। मैं आपको बताऊं एक कड़वी सच्चाई, अगर आप डाइजेस्ट कर सको तो। इस हॉल में बैठे 80% लोगों की यही हालत होगी। है, 1 करोड़ मिलने का ऐसा होगा क्या? हाँ, ऐसा ही होगा। कारण दोस्तों, आपने देखा होगा रात में गलियों में, सड़कों पर, रोड पर कुत्ते भौंक रहे होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो भूखे होते हैं। अब आप ऐसे कोई सोचे यार कोई बात नहीं, जानवर है तो क्या हुआ, उसे ब्रेड दे दो, रोटी दे दो, दूध दे दो, तो क्या वो भौंकना छोड़ देंगे? हैं, अब तो और तेज भौंकेंगे, अब तो एनर्जी आ गई, आती जाती गाड़ियों के पीछे भागेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, और ये काम कब तक करेंगे? जब तक फिर से भूख ना लगे, और फिर भूख लगी तो फिर भौंकेंगे। हाँ, कई इंसान भी ऐसे होते हैं भाई साहब, आज के बाद पहचानना है, कैसे पहचानोगे? जब इनके पास पैसा नहीं होता तो पैसे की मांग करते हैं, पैसा दे दो, 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 और अगर एक बार पैसा दे दो तो उसमें आग लगा देते हैं। फिर एक बार और दे दो यार, एक बार और दे दो। अभी सुशील कुमार पता क्या कह रहा है? एक मौका और दे दो यार। कह रहा, अब तो मेरा फोन भी नहीं लग रहा केबीसी में, मैंने बेटा भी नहीं लग गया, लग गया एक मौका। 100 में से 80 की हालत होगी। अच्छा, जो 20 बचे उनका क्या? उनकी भी कहानी सुनकर जाओ यार, और रिलेट करना आप किस कैटेगरी में हो। पांच लोग ऐसे होंगे जो से 1 करोड़ को 10 लाख 12 लाख 15 लाख में बदलेंगे, बाकी पैसा खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे, एक साल के अंदर गाड़ियां ले लेंगे, शो ऑफ करेंगे, घर रिनोवेट करा लेंगे, खत्म कर देंगे एक साल के अंदर। पांच लोग ऐसे होंगे जो से 1 करोड़ पर कुंडली मार के बैठ जाएंगे, हाँ गर्मी ले रहे हैं पैसे की। फिर लोग आते हैं मेरे पास, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, 1995 में 5 लाख रुपए थे, आज भी हैं। वाह, बहुत बढ़िया, 1995 में 5 लाख थे, आज भी 5 ही लाख है, तो देखना इसने कितना करोड़ का नुकसान हुआ इसका। पांच लोग ऐसे होंगे जो से 1 करोड़ को 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 12 लाख में बदलेंगे, FD फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम, टेंशन फ्री इनकम वाले लोग। ये कहानी 95% लोगों की कहानी है दोस्तों। लेकिन जो 5 बचे उनका क्या होगा? ये 5 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसे 1 करोड़, शायद 1.25 करोड़, शायद 1.5 करोड़, शायद 1.25 करोड़, शायद 2 करोड़, शायद 1.25 करोड़, शायद 2.5 करोड़, शायद 2.75 करोड़, शायद 3 करोड़ कर दिया होगा। कोई डाउट इस धरती पर केवल 5% लोग ही अमीर बनते हैं? नो डाउट। कारण केवल ये 5% लोग ही पैसे के नियमों को समझते हैं, 95% लोग पैसे के नियमों को समझते ही नहीं। और कैसे नियम? इतने आसान नियम, बच्चों को सिखाओ, बच्चा सीख जाए। साहब, दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बुफेट अपने पोते को सिखा रहे हैं, कितनी उम्र उनकी? 7 साल। किसने पूछा इतनी यंग एज? कहते यही सही उम्र है, अगर अभी नहीं सिखाएंगे तो पूरी जिंदगी पैसा कमाएगा, अमीर नहीं बनेगा, पैसा आएगा चला जाएगा इसके पास। और आज के बाद किसी भी अमीर आदमी को देखो कि वो अमीर है, और अमीरी मेंटेन किए हुए है, दोनों चीजें होनी चाहिए, अमीर होना, मेंटेन रखना।
तो समझ लेना उसको कुछ आता है कि नहीं आता, उसको पैसे के नियम मालूम है। अगर पैसे के नियम नहीं मालूम होते तो वो भी वापस गरीब बन जाता। मैक्सिमम लोगों की हालत होगी। और समस्या क्या है, मानो लोगों को एक और दो ऑप्शन दी जाए, हॉल के बाहर वाले लोगों को दो ऑप्शन दो। क्या? पहली ऑप्शन, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे कैश। दूसरी ऑप्शन, आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का हुनर मिलेगा। तो लोग कौन से चुनेंगे भाई? मैक्सिमम लोग हॉल के बाहर वाले कैश ही चुनेंगे। क्यों? कहेगा यार पैसे देना, हुनर का क्या करने का, हुनर तो फिर आ जाएगा। फिर जब वो 1 करोड़ को खत्म कर दे फिर आएगा, अच्छा पैसा एक बार और कैश दोगे क्या? ये नहीं सोच रहा कि एक बार हुनर ले लूं बार बार कमा लूं ना। ये लोगों की साइकोलॉजी है, मेंटेलिटी है। शॉर्ट टर्म मनी चाहिए लोगों को। वो भूल जाते हैं कि ज्यादातर लोग जो अमीर बने वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर बने हैं। वो कभी लॉन्ग टर्म में अमीर देखोगे तो उसका लगेगा 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, कोई 10 महीने 15 महीने में अमीर हुआ हुआ नहीं दिखेगा, उन्हें मालूम ही नहीं है। और ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है पैसे के नियम कैसे। और ऐसा तो नहीं ना आपकी जान पहचान में, आपकी बिरादरी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके डोन में कोई अमीर नहीं होगा, बहुत लोग होंगे। आज घर जाना और किसी अमीर रिश्तेदार जिसे आप अपने से अमीर मानते हो उसको फोन करना, हालचाल मत पूछना, कैसे हो क्या ना, सीधा एक सवाल पूछना, क्या भाई साहब अमीर कैसे बने सिखा दोगे? अरे यार कहाँ, क्यों मजाक कर रहे हो, कहाँ अमीर यार, हम तो गरीब आदमी। नहीं सिखाएगा वो, क्यों नहीं सिखाएगा? क्योंकि उसने अपने अमीरी की राज को सेव करके रखा। किसके लिए भाई? हाँ अपने लिए, और अपने बाद अपने बच्चों के लिए। और बच्चों कहकर मरेगा क्या, मैंने नियम जीवन में किसी को नहीं सिखाए, तू भी मत सिखाना, केवल अपने बच्चों को देना, क्योंकि ये नियम इतने आसान है, अगर तूने किसी को दे दिया तो वो अमीर बन जाएगा। ये समस्या दोस्त, मैक्सिमम लोग हमारे आसपास जो है उनको अगर नियम मालूम है तो सिखा नहीं रहे किसी को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो कहता है कि मैंने राज अपने लिए रखे ना, मैं किसी को क्यों दूं। और आज के बाद किसी भी अमीर आदमी को देखो ना, समझ लेना इससे किसी ना किसी ने सिखाया, या तो उसके माँ बाप ने सिखाया होगा, उसके दोस्त ने सिखाया होगा, उसके कोई रिश्तेदार मिल गया होगा, कोई हम जैसा मिल गया होगा, किसी ना किसी ने उसको वो नियम दिए हैं, तभी वो अमीरी मेंटेन किए हुए। कई बार खानदानी होती है, बाप दादा को सिखाता है, बेटे दादा बेटे को सिखाता है, वो अपने बेटे को सिखाता है, ऐसे चलती है कहानी। लेकिन सीखने पड़ेंगे। और कैसे नियम? ऐसे नियम, इतने आसान नियम कि कोई भी सीख सकता है। एक नियम आपने पढ़ा होगा, रूल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? यदि किसी चीज को ऊपर से छोड़ा जाए तो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी भाई, बोल लो, पक्का? अच्छा इंडिया में ऐसा हो गया, अमेरिका में? अब वहां पे से कोई कह सकता है मैं तो अमेरिका गया ही नहीं, मुझे क्या पता। ऐसे ही होगा। ऑस्ट्रेलिया में कैसा होगा? अच्छा कहीं भी जाओ तो ऐसे होगा ना, मेल छोड़े तो क्या होगा, फीमेल छोड़े तो क्या होगा? सेम। एक और चीज पूछ रहा हूँ, यस और नो में जवाब देना, और इंटरेक्ट करो, मजा आएगा यार, जवाब दो, मुझे लगे तुम जाग रहे हो, सो तो नहीं गए। यस और नो में जवाब देना, यदि किसी व्यक्ति को 5वीं मंजिल से धक्का दिया जाए उसको चोट लगेगी या नहीं? यस और नो। कैसे फर्क पड़ता है, किस जाति का है, किस धर्म का है, अच्छा आदमी है क्या बुरा आदमी है? नो मतलब क्या, अच्छे को चोट लगेगी? नहीं लगी ना, अच्छे को तो नहीं लगेगी। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अच्छे को लगेगी? नहीं, देखो नहीं लगेगी ना। अच्छा एक बात बताओ, 40 साल के जीवन में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे चोट लगेगी? तो एक बात बताओ, मेरा अच्छा होने का क्या फायदा, मैं बुरा हो जाता हूँ? हाँ फिर भी लगेगी। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, ये कुदरत के नियम है, ये भेदभाव नहीं करते, लेकिन लोग समझते नहीं इसको। मेरे पास आते हैं कई लोग, एक व्यक्ति आया शिकायत करते हैं, साहब कुदरत बड़ी निर्दयी है, भगवान के अंधेर हो गई है, अल्लाह सुन नहीं रहा, वाहेगुरु जवाब नहीं दे रहे। मैंने हुए तो सबसे नाराज है, मैंने भैया क्या शिकायत है तेरी बता। कहते साहब कुदरत कितनी निर्दयी है, मेरा भाई शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, दान धर्म नहीं करता, पैसे वाला अमीर है, मैं संत महात्मा बड़ों की इज्जत करता हूं, छोटों से प्यार करता हूं, दान धर्म करता हूं, सारे अच्छे काम करता हूं, गरीब हूं। बताओ कुदरत की नाइंसाफी आ रही तो है। मैं कहता बेटे इसमें कुदरत का रोल नहीं है। कहते फिर किसका रोल है? मैंने देख तेरा भाई शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, बुरे गुण, इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त तेरे भाई को पैसे के लिए मालूम है, ये उसकी क्वालिटी है। तू संत महात्मा है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों से प्यार करता है, माता पिता की सेवा करता है, दान धर्म करता है, सारे अच्छे काम करता है, ये अच्छे गुण है, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त तुझे पैसे के नियम नहीं मालूम, जाके सीखना यार। हैं? ये तो ऐसे हुआ ना, मैं किसी दिन आपके पास आया हूं, दोस्तों पता है कुदरत ने मेरे साथ एक नाइंसाफी करी है। आपको सर क्या हुआ यार, क्या बताऊं, कुदरत पता है कितनी निर्दयी है, भगवान के अंधेर हो गई है, मेरे जैसे इंसान को कुदरत ने ड्राइविंग करना नहीं सिखाया यार।
मेरे को ड्राइविंग नहीं आती, बताओ कुदरत की नाइंसाफी, भगवान की अंधेर नगरी, क्या जवाब दोगे भैया? सीख लो। मैं भी ये कह रहा हूँ भाई, सीख लो, मैं भी ये कह रहा हूँ। भगवान को, खुदा को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, परिवार को दोष देने से पहले पहले सीख तो लो। हो सकता है गलती तुम्हारी हो, तुम दूसरे को दोष दे रहे हो, मैं अमीर नहीं मन रहा। सीख लो, सीखने ही पड़ेंगे। कुदरत के नियम किसी व्यक्ति में किसी आधार पर भेदभाव नहीं करते। आपकी जेब में रखे पैसे को नहीं मालूम आप अच्छे आदमी के बुरे आदमी हैं। यदि आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे वो पैसा आपके पास बढ़ता रहेगा, इस्तेमाल गलत करेंगे तो वो निकल जाएगा। यार सीखने ही पड़ेंगे। मैं अमीरों को मिलता हूँ, बात करता हूँ, पढ़ता हूँ उनके बारे में, उनको गाइड करता हूँ, उनसे स्टडी लेता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, अमीरों से मिलता हूँ। आपको एक काम दे रहा हूँ, अमीरों को ध्यान से देखना और ढूंढना अमीरों में क्या क्या समानताएं होती हैं। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें कुछ समानताएं भी तो होंगी, कुछ गुण होंगे कॉमन, ढूंढना। सवाल का जवाब पहले ही दे रहा हूं, ढूंढ लेना। फिर भी दुनिया के अमीर लोगों में केवल एक ही समानता है, केवल एक। क्या? क्या नहीं, वो सब अमीर हैं, इसके अलावा उनमें कोई समानता नहीं है। हर जाति के अमीर हैं, हर धर्म के अमीर हैं, पढ़े लिखे अमीर हैं, अनपढ़ अमीर हैं, पॉजिटिव अमीर हैं, नेगेटिव अमीर हैं, अच्छे दिखने वाले अमीर हैं, बुरे दिखने वाले अमीर हैं, मेल अमीर हैं, फीमेल अमीर हैं, अमीरों में एक ही समानता है, केवल वो अमीर है। अच्छा एक और काम करना, दुनिया के गरीब लोगों को ध्यान से देखना और ढूंढना गरीबों में क्या क्या समानता है। उन सब में भी एक ही चीज कॉमन है कि वो सब गरीब है, इसके अलावा उनमें कोई समानता नहीं है। अच्छे दिखने वाले गरीब है, बुरे दिखने वाले गरीब है, मेहनती गरीब है, आलसी गरीब है, कम पढ़े लिखे गरीब है, बहुत पढ़े लिखे गरीब है, अच्छे दिखने वाले गरीब है, बुरे दिखने वाले गरीब है, मेल गरीब है, फीमेल गरीब है, गरीबों में भी एक ही समानता है, वो सब गरीब है। अच्छा कारण क्या है इसका? केवल एक कारण है, सभी अमीर लोग पैसे के नियमों को समझते हैं और सारे गरीब लोग पैसे के नियमों को नहीं समझते हैं। सिंपल। वो नियम कहां से आएंगे? उन्हें कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि अमीरों ने तो अपनी खानदान को पांच पांच दस दस पीढ़ी से लोग अमीर बन रहे। अच्छा आज कुछ लोग कह रहे मंदा चल रहा है ना, मैं आपको बताऊं मंदा कमाई का सबसे बढ़िया समय होता है, और कई बड़े बिजनेसमैन सरकारों के साथ मिलकर मंदा लाते हैं। जो हमारी कमी है, कमजोरी है, वही उनकी ताकत है, हमें पता नहीं है। मैं नहीं कह रहा, नेट पे टाइप करना रिलायंस कंपनी का इस तिमाही का प्रॉफिट पिछली सारी तिमाहियों से ज्यादा का है। मंदी वाली की बात कर रहा हूं। जब जब दुनिया में मंदा आया और जब जब गया उसका इतिहास उठाना, पांच बार की दुनिया की मंदी का इतिहास उठाना, जब जब मंदा गया नए अरबपति पैदा कर गया। यानी सबसे ज्यादा अरबपति मंदे के समय में बनते लोग, लेकिन वो बंदे जिन्हें मालूम होता है कि मंदे का इस्तेमाल कैसे करना है, बाकी रोते मंदा 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 मंदा, हम जैसे को पता है मंदा, चलो हो गया काम। और जब सीख जाओगे ना, जिस दिन कहोगे साहब मंदा कब आ रहा है, मैं तो तैयार बैठा हूं, आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तैयारी होती है, पता चलता है ना कि यार मैं तो तैयार बैठा हूं, क्यों नहीं हो रहा ये काम, कैसे कमाया जाता है, मंदे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो तुम चाहोगे यार सर मंदा लाओ ना, कैसे लाएंगे, ये तो मंदा बड़ा समय सही समय होता है, कम पैसा लगा के कमाई ज्यादा होती है, क्योंकि मंदा कमाई का सबसे बढ़िया समय है। मजे की बात है कि मैक्सिमम बिजनेसमैन को नहीं मालूम ये बात कि कैसे यूज करें, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, रिसेशन में कैसे ग्रो किया जाता है, क्या करें, सिखाएगा कौन? और हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 90% बिजनेसमैन इंडिया आर फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। फर्स्ट जनरेशन मतलब बाप दादाओं ने बिजनेस नहीं किया, तो जमींदार हुआ करते थे या सरकारी नौकर हुआ करते थे। अब बेटे ने सोचा मेरे को बिजनेस करने का, तो देखो इंडिया में शुरुआत कैसे होती है बिजनेस की, बाप दादा जो है जमींदार हैं या तो या नौकरी करते हैं। बेटा के बोलेगा पिताजी बिजनेस करना है, तो पहला सेंटेंस ही होगा पिताजी का क्या, चलेगा तो नहीं। ये नहीं पूछेंगे क्या करेगा, कहां से लाएगा, चलेगा तो नहीं। तो बच्चा घर से क्या सोच के जा रहा है, चलेगा तो नहीं, तो पूरी उम्मीद है चलेगा तो नहीं। अच्छा फिर क्या होता है, बिजनेस जब शुरू करता है इंसान तो क्या होता है, शुरू में उसको समय ज्यादा देना पड़ता है, सुबह जल्दी निकलता है, रात को लेट आता है, खाना टाइम पे नहीं खाता, सेहत थोड़ी खराब होने लगती है। अब माँ जो उससे बहुत प्यार करती है, माँ क्या कहती है, बेटे इतनी दिक्कत है तो नौकरी कर लो बंद करके। अब वो बेचारा करे क्या, सलाह किससे ले, अपने कंप्यूटर से सलाह लेगा, कंप्यूटर तो उसे सलाह देगा नहीं। अच्छा दूसरे से सलाह लेगा जो खुद घाटे में चल रहा, तो उससे सलाह लेकर फायदा क्या। अब बिजनेसमैन करे क्या, किससे सलाह ले, उसको सलाह देगा कौन, यहां फंस जाता बेचारा। और ये कारण है 95% बिजनेस इन इंडिया कोलैप्स विद इन 5 years, 95% बिजनेस हिंदुस्तान में 5 साल में बंद हो रहे हैं, 5 साल में। ये सबसे बड़ा कारण है,
बिजनेस एजुकेशन का ना होना, फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना, उसको मालूम नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेरे बिजनेस की है कि सबके की है। और लोग यकीन मानना दोस्तों, पैसे की कमी की वजह से नहीं पिछड़ रहे हैं लोग, हौसलों की कमी की वजह से पिछड़ रहे हैं यार। प्रॉब्लम कहां आती है? लोगों को लगता है पैसे की कमी, नहीं पैसे की कमी नहीं है। और मैं अक्सर बोलता हूं लोगों को, बताता हूं, क्या आपने घोड़े की रेस देखी होगी दोस्तों? कोई घोड़ा कभी अपने ऊपर दाव नहीं लगाता, लेकिन लंगड़े घोड़े पर भी कोई दाव नहीं लगाता। एक बार रेस में दौड़ो तो सही, एक बार दुनिया को साबित तो करो कि आप रेस का घोड़ा हैं। यकीन मानिए, दुनिया आप पर दाव लगाने के लिए बेकरार बैठी है, बेकरार। लोग हाथों में पैसा लेकर बैठे, कोई जेन्युइन आदमी मिले दाव खेल दो उस पर यार। रेगुलर आते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 10-20 लाख वाली तो रोज आती है, रोज के साथ। कोई जेन्युइन आदमी हो, 10-15 लाख हम लगा देंगे यार, जेन्युइन आदमी मिले तो सही। मिल कौन रहे? फ्रॉडी, दूसरे के पैसे पर गलत निगाह रखने वाले लोग। उनका प्रोजेक्ट भी कैसा है? ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसकी जेब से पैसा निकलवा लो बस, कोई नहीं लगाएगा ऐसे पैसा। और मैं आपको बताऊं, अमीरों ने एक नियम को गांठ बांध रखा है, आप भी गांठ बांध लेना। आपने 10 लाख कमाए जीवन में, 10 करोड़ कमाए या 10,000 कमाए, ये अमीरों का नियम ले जाना। क्या कहता है अमीरों का नियम? आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आपका बेटा भी नहीं कर सकता साहब। और आज के बाद अगर कोई बोले कि भाई साहब आपको पैसे की तमीज नहीं है, आप अपना पैसा मुझे दे दो, मैं खर्च कर लूंगा, समझ लेना गड़बड़ होगी, पैसा मर जाएगा आपका। आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इस दुनिया में, क्योंकि जितने इमोशन आपके जुड़े ना अपने पैसे साथ, किसी के नहीं जुड़ेंगे यार। ये नहीं सिखाएगा कोई, लोग उल्टा सिखाएंगे, अरे भाई साहब आपको तो तमीज नहीं है, मुझे दो ना पैसा। हाँ, जैसे ही बोले ना तमीज नहीं है, अगर जा जितनी भी है मेरी ठीक है, क्योंकि तू तो डूबोगे मानेगा। ये समस्या है। और पैसे की दिक्कत नहीं है, हौसला नहीं है लोगों को, पैसे आइडिया नहीं है, गाइडेंस नहीं है, यहां कमी है।